तो कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत बहुत लग रहा है, ऐसा लग रहा है। सुबह के 5 बज रहे हैं। सबसे पहले मैं तैयार होता हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन जा रहा है, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सब बताता हूँ। सबसे पहले रेडी होने दो, क्योंकि बिल्कुल झंझाट हो रखा है शरीर। ऐसा लग रहा है कदम रखूँगा गिर जाऊँगा। ठंड में सबसे बुरा काम सुबह सुबह उठो। तो क्या कर रहे हैं, जाना तो उठना पड़ेगा। लेट्स आप लोगों ने देखा मैं कितनी जल्दी तैयार हुआ। ऐसे ही होता भाई लौंडा तैयार, क्या करे। ये मेरा लड़कियों से कहना है, आप ये वीडियो देखिए और ऐसे तैयार होए ताकि आपके साथ जो लौंडे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। वैसे इस ट्रिप में कोई लड़की नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इस ट्रिप में जा रहे हैं हम लौंडे। लौंडे कौन कौन जा रहे हैं मैं अभी नीचे आपको मिलवाऊंगा कैसे जा रहे हैं। और ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों घोटे छिले पड़े हैं, बैठा भी नहीं जा रहा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है गाइस, मैं गोप्रो से व्लॉग शूट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। पहले मैंने कैमरे से एक बार किया है, इफ यू गाइस रिमेंबर, वो उसमें इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि उसका कैमरे का लेंस भी थोड़ा ज़्यादा खराब था। तो इससे कैसे क्लैरिटी आ रही है, कैसी आने वाली, आई डोंट नो। मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब मैं चेक करने के लिए कर चुका हूँ फर्स्ट टाइम है। और सेकेंड थिंग, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम मोटो व्लॉग करने जा रहे हैं, मतलब बाइक से जा रहे हैं, हम जा भी जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं ऑब्वियसली बात है। और बाकी हेलमेट वगैरह, गोप्रो, उसमें जो माउंट लगता है, सब कुछ ले रखा है, ऑल सेट है। थोड़ा सा इशू है व्यू में, वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा कैसे ना कैसे। बस बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई मैं पहली बार लॉन्ग ट्रिप पे नहीं गया हूँ बाइक से। शॉर्ट तो बहुत मारी अंधी, मतलब यू नो नैनीताल भी गए थे तब भी वहाँ बाइक घुमाई थी वहीं पे रेंट पे लेके, बट यहाँ से कहीं तक जाने का मैंने कभी नहीं किया बाइक से। इसलिए मैं इतने लेयर्स में पैक हो रहा हूँ क्योंकि देखो बाहर का मौसम ख़राब है, ठंड है, तो भाई आई एम तो पेटी पैक कि कोई भी दिक्कत ना आए। अभी तो ये गले में डालूंगा ताकि गले में होने लगे, जुराब पहनूंगा मस्त करके, बालों के लिए हेलमेट में लगाने के लिए क्लब भी है। ये तो नकली वाले, मेरे तो असली वाले बैग में पड़े, बस उसमें थोड़ी ना ग्रिप का इशू आ रहा है। बाइक में तो मैंने ये ले रखा है इन केस के अगर ग्रिप विक तो इससे चला लूँगा, बट अगर इसमें ठंड लगे तो भाई वो वाले पहनूंगा। और एक ये पता नहीं कहाँ से आता हूँ, खोल छूट के आ गया। ओके सेट 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 बड़े सेट 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 नो नो ओके नो सेट सेट बस ओके चल 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 बाकी तू व्लॉग में आ रहा देख। Say hi to fam, yeah। अभी गीला मैं तो कह रहा तो पता नहीं मुंह में क्या रख के बैठा रहता, पता नहीं कौन सा पानी छूटता रहता, बाकी गले का सेक्सी लग रहा है। हट जाने तो गोप्रो फेंक के मारूंगा। तो नीचे कुछ डिस्कशन चल रही, हम भी जरा नीचे चलते हैं, ठीक है। सामान तो मेरा सारा पैक है ही, तो चलो बाय 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 बाय, चलते हैं मिलते हैं जल्दी आती है। तो गाइस अभी हम दोनों तो आ चुके हैं नहर पे, हमारी एक बाइक आ चुकी है, शीशांत पेट्रोल भराने जा रहे हैं, तो आगे मिलेंगे। सचिन और सिब्बू भी यहीं कहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी आ रहे होंगे। तो अब गोप्रो को फिट करते हैं अपने इस कैमरे पे। ये इसका माउंट अभी अंधेरे में दिख भी नहीं रहा, ये रहा माउंट लगा हुआ है, इसको फिट करते हैं उसके बाद। तो गाइस सारे के सारे ये रहे, एक दो तीन चार पाँच एंड सिक्स, मुझे नहीं पता कितना, मतलब अरे मैं तो आ जाऊंगा, अभी थोड़ा अंधेरा है। तो बाकी ये सिब्बू है, ये सचिन है, ये सुशांत है, ये अतुल है, ये सागर है, और ये मैं हूँ, और ये पूरा व्यू है, और ये हमारी तीन धन्नो है। अब हम कहाँ जा रहे हैं और रास्ते में रुक के बात करते हैं, बाकी बिल्कुल ठंड नहीं है। गाइस मैं सचिन हूँ, हम जा रहे हैं मसूरी और ठंड हो रही है बहुत, लेकिन हमने पूरे कोड़े पहन रखे, ग्लव्स पहन रखे हैं, और अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है अभी 6 हमको अरे बहुत टाइम अभी अभी 6 बज रहे हैं गाइस, देखते हैं कि हम कितने बजे पहुंचते देहरादून, नहीं सॉरी मसूरी। और ये बैटरी बहुत गंदी पी रहा है, 32% हो चुकी है। तो चलो चलो अभी पहले हम खाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं गोप्रो रिकॉर्ड करो कि मैंने ऐसे दूसरी वाली बैटरी लगा दिया भाई, इसकी बैटरी बहुत बेकार है, जो मतलब 9-10 के साथ आई थी, 11 वाली फिर भी अच्छी है। तो अभी देखना पड़ेगा, मक्खन खा लो, ये सही है भाई, इसमें जो वॉइस कमांड है बहुत तगड़ी है,
अभी हम जो पराठे लाए थे खप गए। अब हमने डोसा मंगाया और सिप्पू ने एक और पराठा मंगाया, वो पराठा उसने वो पराठा नहीं खाया। कट आप हमारे सिप्पू भाई बाइक चलाएंगे। सिप्पू भाई इस बाइक में कितने गियर है? गियर बता। पांच। तेरी खुशी के लिए मैंने क्योंकि इसको चलानी नहीं आती है। गजब बेइज्जती है। मेरे से आगे निकल तब मानूंगा। तो भाई अब चला जाए। ओके तो अब जरा देखा जाए, थोड़ा सा आगे निकल गया है वो, पर क्या ही टाइम लगेगा हमें। हम तो है हायाबूसा वाले, पकड़ लेते हैं लोगों को दो मिनट में। तो यार अभी तक ना मैं मतलब ढंग से बात नहीं कर पा रहा था, क्या हो रहा था ना, बैटरी का इशू पड़ रहा था। मैं ऑन कर रहा था, बैटरी बहुत कम हो रखी थी। ठीक है तो भाई अभी ये सिब्बू से बाइक छीनी जा रही है क्योंकि ये लहर मार रहा था। और मैंने थोड़ा साइड में लगा लूँ पहले। उसे दे तू पीछे। आ जा के टी एम चला ले। आ जा सागर आ जा। क्या कब बोला? पागल है क्या? मैंने बोला केटीएम के पीछे आता रहा चुपचाप धीरे धीरे। मैंने बोला सिब्बू आ जा केटीएम पे। आ जा कह रहा आ रहा बैठ। कह रहा क्या हुआ? मैंने कब बोला केटीएम पे आ? कह रहा भाई पागल है क्या? चलो तो अभी सहारनपुर तक जैसे कि सुना मैंने स्ट्रेट चलना 23 किलोमीटर है। चलते हैं भाई। सिब्बू खतरनाक ड्राइवर है। सिब्बू का टक्कर कोई ड्राइवर नहीं हम पे। क्योंकि हम सबको बाइक चलाने आते हैं, उड़ा नहीं आती है। तो अभी गाइस सहारनपुर तो 23 किलोमीटर स्ट्रेट चलते हैं, उसके बाद देहरादून का लेफ्ट मारेंगे। तो यार यहाँ पे जाम भी इतना हो रखा है, बस बस का जाम मिल रहा हमें थोड़ा। वैसे हम सही टाइम पे निकले थे, 5-6 बजे के आसपास निकले थे, मतलब 5 बजे उठ गए थे और 6 बजे तक निकल गए थे, तो सही था। क्या मैप लगाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से हमें रास्ता थोड़ा पता नहीं है। डायरेक्ट मसूरी का लगाता हूँ, 100 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हम देहरादून में रुकेंगे पहले, मतलब रुकेंगे वैसे सागर को सामान देना थोड़ा, तो वहीं उसके भाई के यहाँ जाएंगे। बाकी उसके बाद अच्छा ये वाला रास्ता है। अरे यहाँ तो मैं आ रखा हूँ, ये तो बहुत प्यारा रास्ता, अब देखो तुम। और ये हम उड़ेंगे, वाओ। इस रास्ते पे आ रखा हूँ मैं। एक बजे पहले देहरादून गए थे, पता नहीं उस टाइम पर ब्लॉग बनाया था नहीं बनाया था, या ब्लॉग चैनल था भी नहीं था, याद ही नहीं आ रहा मुझे, बट गए थे हम। बहुत प्यारा रास्ता है ये। अब यार अपने लौंडे पीछे आ रहे हैं। अरे अभी ना इसका ना थोड़ा मुझे व्यू का थोड़ा वो हो रहा है कि व्यू का मुझे समझ नहीं आता, तो अभी मेरा फर्स्ट मोटर ब्लॉग है, तो इसलिए मैं रास्ते का थोड़ा कम रख रहा हूँ, क्योंकि जब नॉलेज नहीं है तो कितना क्या रखो समझ नहीं आ रहा। वैसे मैंने चेक किया था व्यू का और आवाज़ का भी चेक किया था, तो इतना है कि आ रही होगी, क्लियर है, सॉर्टेड है। व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? जब आप के बाइक में दर्द होने लगे। अतवार दत्तवार शायद बाइक थोड़ी वो हो गई थी, हाँ तो बंद हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था बाइक को। अब मतलब ठीक है, बंद हो गई थी, पता नहीं, हाँ गर्म हो गई होगी। अरे मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ, इन्हें आगे जान तो। क्या रेट चल रहा है? 94 दिल्ली तो 96 चल रहा।
चला जाए। तो ये हम छोटे मोटे पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं, दोनों बाइकें हमारे पीछे आ रही है। अब मैं इसको थोड़ी देर पकड़ के ऐसे बैठ जाता कि आपको सामने का व्यू दिखे। मेरा क्या है, मैं तो देखता ही रहता हूँ, आप लोगों को देखना चाहिए यार। वेलकम टू उत्तराखंड गाइस। तो हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं, मतलब अभी तक कहाँ थे फिर हम, तो मर जाएगा वो भाई। बाकी अभी हम पल्पी ऑरेंज वगैरह लेने के लिए रुके थे। ये एक बाइक कह रही है, मेरे को तो गोप्रो में भी ऐसे दिखाना पड़ रहा है, क्या करूँ, मेरा फोन यहाँ पर लगा, बड़ा फोन से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, करूँगा ले भाई सागर। ऐसा जाम मिला भाई हमें, क्योंकि घंटा घर पे सागर का भाई आ रहा है, उसको सामान देना है। ऐसे ब्रेक मत मारो भाई, ऐसे ब्रेक में हम तो रोक लेंगे, हमारे पीछे वाला ना ठोक दे। मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। 12 बजने वाले, मतलब हम एक तो। यहाँ हमारी रोड रेज हो गई है, ये दो मुझे मार रहे हैं, ये मार रहे हैं मुझे, दो और आ गए मेरा। आप बेचे क्या, परफेक्ट शॉट आया, क्या अल्लाह भाई के। ये मसूरी सीधा सीधा एकता पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, तो जो हमारा होटल हमें लेना वो है वहाँ पे घंटा घर के पास। अभी हम वही जा रहे हैं, एक बाइक आगे निकल गई, एक सचिन पीछे है, और अभी हम अपन चल रहा है। और ऊपर जा जाते जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, मस्त मस्त ठंड ठंडी हवा लग रही है, तो मज़ा आ रहा है। बाकी ऊपर चल के देखते हैं क्या मौसम हो रखा है। खैर क्या ही मौसम होगा, मौसम तो रात में चेंज होगा जहाँ तक है, पर मज़ा आ रहा है। नो थकान, बिल्कुल फ्री, फुल फन बस। जैसे मैंने सुना था इनसे कि बाइक में जाते हैं तो दुख जाते हैं, दर्द हो जाता है, कुछ नहीं हो रहा, फन फन बिल्कुल फन, फुल मज़ा आ रहा है भाई। हम मसूरी पहुंच गए, कहाँ पे भाई, हम लंडोर, लंडोर घंटाघर बोलते हैं, घंटाघर लंडोर, घंटाघर ठीक है। ये बेचारे हाँ लड़की का रुका हूँ भाई, भाई क्या व्यू आ रहा है, बस तू हट जा तब अच्छा आएगा। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। अब अच्छा आ रहा है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मसूरी, टाइम हो रहा है 1:20, और यहाँ मौसम काफी अच्छा हो रहा है, ठंड भी है और धूप भी अच्छी आ रही है भाई। ये देख रहे हो आप, ये छत का व्यू है, छत से यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो घर, पहाड़ों में घर बने हुए। ये फिर लड़कियों को स्लैब भेज, अभी हम कुछ टाइम में खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे शादी में, रात को जो शादी होगी वहाँ जाएंगे। जानते किसी को नहीं, हम लोग पर जाएंगे शादी में। शादी किसकी ये भी नहीं पता। सिप्पू हाँ भाई, जो शादी है वो मेरे भांजी की है, तो इसलिए हम मसूरी आए थे। पापा कल आ गए थे मामा और के साथ, मैं आ जा रहा था, मैं सोचा था बाइक से भी आएंगे, मोटो ब्लॉग भी बन जाएगा। ये मैं स्टार्टिंग पता नहीं भूल गया इतनी जल्दी में, तो मैं आ रहा था, मैं फिर अपने बच्चों को भी ले आया, सारे बच्चे नहीं आ पाए, सब अपने अपने काम में बिजी है, पर जो अब आ पाए बहुत है। बाकी अभी थोड़ा सा कपड़े रखते, ज़रा सामान वामान रखते, उसके बाद खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़।